नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं पीएचयू पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है, फाइनली सीयूटी यूजी साथ साथ सीयूटी पीजी का जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट का डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और इसका जो सोर्स है वो हमारे यूजीसी के चेयरमैन एमजी कुमार जी हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा अभी काउंसलिंग में। बीएचयू पाठशाला काउंसलिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा और उस समय यानी काउंसलिंग के टाइम आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस मेंटर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको ये बताए कि आपके इस मार्क्स पे, इस सब्जेक्ट पे, ये यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये जो आपको सोर्स दिख रहा है ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज का है, जो कि एमजी कुमार जी ने इसका लिंक अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट डाला था कल 8 घंटे पहले। यहाँ पे लिखा हुआ वेन इज एंटी डिक्लेयरिंग सीयूटी यूजी एंड पीजी 2022 रिजल्ट। और इसको बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, NTA official confirmed that the CUT UG result will be released by September 7. यानी NTA इसको officially confirm कर रहा है कि 7 तारीख को आपका result आ जाएगा, यानी UG का, चाहे किसी भी slot का हो, चाहे कोई domain हो, चाहे कोई GT हो। लेकिन यहाँ पे फिर UGC इसको confirm कर रहा है कि we are considering, ठीक है, क्योंकि UGC इसको मान रहा है कि वो डिले भी कर सकते हैं, सितंबर 10th एज और आउटर लिमिट, यानी मैक्सिमम जो है वो 10 तक दे दें तो भी ठीक है, यानी 10 तक दे देंगे। तो 7, 8, 9, 10 इन 3-4 दिनों में, आने वाले महीने में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। साथ साथ उन्होंने और भी चीजों को मेंशन किया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि फाइनली सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट है वो मंथ ऑफ सितंबर 7 से लेकर 10 के बीच में आ जाएगा, मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और आपके आंसर की में कोई गलती होती है या काउंसलिंग मेरिट में कोई गलती होती है तो उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि हमें उसके लिए कंपेनिंग करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने बहुत सारे पेपर में गड़बड़ियां की हैं, क्योंकि एनटीए जो है वो एक विश्वसनीय संस्था नहीं है, उसने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और रिक्वेस्ट है आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। मुस्कुराते रहिए।